कप के बाद कोहली की कप्तानी पर भी खतरा, रोहित पर विचार कर सकती है बीसीसीआई। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में खिताब की प्रबल दावेदार मानी गई भारतीय क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में चौंकाने वाली हार के बाद बीसीसीआई एक्शन के मूड में है। बीसीसीआई अब भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी में बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद बीसीसीआई रोहित शर्मा को वनडे और टी ट्वेंटी का कप्तान बना सकती है। वहीं विराट कोहली को सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर बरकरार रखा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव आ सकते हैं। साथ ही विराट कोहली के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने आईएनएस को बताया कि टीम को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। अधिकारी ने कहा, यह सही समय है कि रोहित शर्मा 50 ओवर फॉर्मेट की कप्तानी संभालें और इसके लिए मानसिक रूप से भी तैयार रहें। इसके लिए वर्तमान कप्तान और टीम मैनेजमेंट को भी समर्थन करना चाहिए। हालांकि अधिकारी ने वर्तमान कप्तान विराट और उपकप्तान रोहित के बीच विवाद की अफवाहों को नकार दिया। अधिकारी ने कहा, अब समय पुरानी चीजों पर बात करने का नहीं बल्कि आगे की तैयारियों का है। यही समय है कि हमें अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नए तरीके से टीम की तैयारियों पर विचार करना चाहिए और नई योजनाएं बनाना चाहिए। हम जानते हैं कि टीम को दोबारा नए तरीके से देखने और कुछ विशेष क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत है। रोहित इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कोच के प्रमुख विनोद राय भी कह चुके हैं कि जल्द ही एक समीक्षा बैठक होगी। इसमें कोच रविवार शास्त्री, कप्तान विराट कोहली और चीफ सेलेक्टर एमएस के प्रसाद मौजूद रहेंगे। अधिकारी के मुताबिक विराट कोहली से वनडे और टी ट्वेंटी की कप्तानी लेकर रोहित शर्मा को दी जा सकती है। समीक्षा के बाद टीम में और भी कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।